हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है अवध विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के सारे क्वेश्चंस जिस ऑन सॉल्व में जो दिए गए हैं उसको हम एक जगह पे समराइज करने वाले हैं। हम देखेंगे कि आज तक कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए हैं और बहुत ही आसान तरीके से उस पेपर को देख के आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो देख, कुछ इस प्रकार से इन सबको समराइज किया गया है कि कैसे 2017, 18, 19, 20, 21 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए और कौन से टॉपिक से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला पॉइंट बात कर, देखिए एक बार कंफर्म कर लीजिए कि हम बात कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर पेपर वन की, हम बात कर रहे हैं शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन और प्रायोरिटी शिक्षा के बारे में। तो पहला प्रश्न यहाँ ध्यान दीजिए, यह पॉइंट है शैक्षिक प्रशासन की, आपके फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट शैक्षिक प्रशासन से। अगर आप देखेंगे तो हर साल 17, 18, 19, 20, 21, 22 हर बार आपसे प्रश्न पूछे गए हैं शैक्षिक प्रशासन से। तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आप ज़रा इसको ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न, शैक्षिक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांत के बारे में बताइए। यह प्रश्न 2018 के लॉन्ग आंसर में और 2019 के शॉर्ट आंसर में पूछा गया था। लॉन्ग आंसर का मतलब 15 नंबर, शॉर्ट आंसर का मतलब 8 नंबर और वेरी शॉर्ट का मतलब 1 या 2 नंबर होता है। तो देखिए दोस्तों, शैक्षिक प्रशासन के यहाँ पे सिद्धांत पूछा गया था 18-19 में, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य उपयोगिता 19 में लॉन्ग में पूछा गया था, विशेषताएं 2020 में पूछी गई थी, शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा, उनके क्षेत्र के बारे में विस्तार से वर्णन। यह दोस्तों आप देखेंगे ना, शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा और उसके क्षेत्र के बारे में तो हर साल इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 17, 18, 19, 20 और 21 इन सब में ज़रूर सवाल आपसे पूछा गया है शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा और उसके क्षेत्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। शैक्षिक प्रशासन के संप्रत्यय, विशेषता, उद्देश्य, वही बात हो रही है, रिपीट करके पूछा जा रहा है। 17, 18, 20 में वेरी शॉर्ट में यह सवाल पूछा गया था 8 नंबर में। लोकतांत्रिक प्रशासन क्या है, लोकतांत्रिक प्रशासन के बारे में यहाँ से पूछा गया। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के कार्य के बारे में पूछा गया। कार्य की बात करें या उपयोगिता की बात करें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। शैक्षिक प्रशासन के लचीलेपन का सिद्धांत, जब आप शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ एक सिद्धांत होता है लचीलेपन का सिद्धांत, अर्थात शैक्षिक प्रशासन को इतना दृढ़ नहीं होना चाहिए कि सबके लिए यह कठिन हो जाए, या फिर इतना कोमल भी नहीं होना चाहिए, इतना सॉफ्ट हार्टेड भी नहीं होना चाहिए कि कोई उनकी रेस्पेक्ट ना करे। तो थोड़ा सा लचीलापन उसमें रहना चाहिए, थोड़ी सी फ्लैक्सीबिलिटी उसमें रहनी चाहिए। तो इस सिद्धांत के बारे में आपको वर्णन करना है। लूथर गुलिट के प्रशासन संबंधित कार्य और प्रशासन से आप क्या समझते हैं। तो शैक्षिक प्रशासन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लिखिए लीजिए और एक बार शैक्षिक प्रशासन को इस तरह से पढ़िए कि चाहे जो भी प्रश्न इससे पूछे आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। आप प्रॉमिस करिए कि आप इसको पढ़ने जा रहे हैं, मुझे पक्का पता है आप पढ़ेंगे, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट आपका, पहला टॉपिक क्या हो गया, शैक्षिक प्रशासन, इससे संबंधित ये सारे प्रश्न हैं। दोस्तों एक बार थैंक यू सो मच जिन्होंने यह पेज हमें लिख कर भिया दिया और उन्होंने यह प्रिपेयर किया, उनको बहुत 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 धन्यवाद उनके इस कार्य के लिए। दूसरा दोस्तों, पर्यावरण भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप नाम से ही देखिए, शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन और पर्यावरणीय शिक्षा, तो प्रशासन और प्रबंधन आपका इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ पर्यावरण भी आपका इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण से भी हर साल आपको प्रश्न पूछेंगे, यह तो निश्चित है कि प्रशासन और पर्यावरण से आपको प्रश्न आना है 101% आना है। पर्यावरण से कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए थे 2021 में शॉर्ट में और 2020 के लॉन्ग में पूछा गया था कि पर्यावरण शिक्षा की क्या हो सकता है, आप किसी बच्चे को पर्यावरण की, इन्वायरमेंट की एजुकेशन दे रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, नीड क्या है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या होता है, इसकी प्रकृति, इसका क्षेत्र। आप देखेंगे तो लॉन्ग में पूछा गया है यह प्रश्न, 15 नंबर में पूछा गया है। पर्यावरण शिक्षा का संप्रत्यय, उसकी अवधारणा, उसका उद्देश्य भी पूछा गया है। पर्यावरण का ये देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप कक्षा 8 से इस प्रश्न को करते हुए आ रहे हैं। प्रश्न क्या है, पर्यावरण प्रकोप के प्रमुख कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करिए। पर्यावरण प्रकोप का क्या कारण होता है और मानव जनजाति जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है।
पर्यावरण हेतु वर्तमान दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के महत्व को बताइए। तो ये सारे प्रश्न आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। इस पे वीडियो नहीं बनी है, मैं जल्द ही बना दूंगा, लेकिन आप उसका इंतजार मत करिए। एक बार स्वयं से अपनी किताब को बस एक बार ऐसे देख लीजिए, क्योंकि आप देख लेंगे ना, मुझे पक्का पता है आप जरूर एग्जाम में लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों योगा, योग और योगा दो चीजें। तो योग का अर्थ, महत्व तथा इसके भेदों की व्याख्या, इसकी वीडियो बन चुकी है दोस्तों, आप इसको जरूर देखिएगा। योग का महत्व क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा और योग में क्या संबंध है, और योग का मतलब क्या होता है, तो ये देखिए वेरी शॉर्ट में 17 में पूछा गया था, लॉन्ग में आपसे पूछा गया है 2019 में, 2021 में भी लॉन्ग में पूछा गया है। योग के अर्थ, महत्व तथा भेदों की व्याख्या करिए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे और आप वीडियो देख के समझ सकते हैं। एक और पॉइंट को डिस्कस करेंगे दोस्तों, प्रधानाध्यापक के बारे में पूछा जाता है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे प्रधानाध्यापक के गुणों का वर्णन करिए, तो एक अच्छे प्रधानाध्यापक के गुण के बारे में आप लिखना है कि वह प्रधानाध्यापक कैसा होना चाहिए। अब जब इसको लिखिएगा तो आप ना उसको पॉइंट वाइज लिखिएगा। एक अच्छे प्रधानाध्यापक के गुण 3 प्रकार के होते हैं, उसका व्यक्तिगत गुण, उसका सहायक गुण और उसका एकेडमिक, लाइक पर्सनल क्वालिटी, एकेडमिक क्वालिटी, प्रोफेशनल क्वालिटी। तो पर्सनल क्वालिटी में आप लिख सकते हैं उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। तो इस प्रकार से आप हेडिंग बना के लिखिएगा, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अध्यापक प्रधानाध्यापक के गुण। ठीक है दोस्तों, चलते हैं कुछ और पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय के बारे में आप देखेंगे कि शिक्षा मंत्रालय से कैसे प्रश्न पूछे गए। शिक्षा मंत्रालय में राज्य सरकार की भूमिका, शिक्षा क्षेत्र में यूपी के प्रशासनिक ढांचे की व्याख्या, यह पूछा गया था आपसे। ये तो कितनी बार पूछा गया, एक प्रश्न तो आपसे जरूर पूछा जाएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भूमिका, इन दोनों में से एक प्रश्न आपको जरूर पूछा जाता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की भूमिका, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की प्रशासकीय रचना का व्याख्या करिए। ठीक उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की भूमिका और शिक्षा के क्षेत्र में यूपी के राज्य के प्रशासनिक ढांचे की व्याख्या करिए। तो इन चार पॉइंट में से एक पॉइंट आपको एक बार एग्जाम में जरूर आने वाला है। शिक्षा में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यों की व्याख्या करिए। देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के बाद में। अगला दोस्तों जनसंख्या, जनसंख्या के बारे में आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप बीएड कर रहे हैं तो आपने कई बार इसके बारे में पढ़ा होगा कि भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या एक समस्या है। इस पर निबंध लिखिए, मतलब इसकी विवेचना करिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करिए और जनसंख्या नियंत्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी, नियंत्रण के विभिन्न विधियाँ। तो ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका प्रिपेयर है, इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला दोस्तों विद्यालय प्रबंधन, जिस प्रकार से आपने प्रशासन पढ़ा उसी प्रकार से प्रबंधन, लेकिन यहाँ पे बात की जाएगी विद्यालय प्रबंधन की, कि विद्यालय प्रबंधन क्या है, उसके उद्देश्य, सिद्धांत, कार्य, विशेषताएं और इन सभी विधियों का उल्लेख तथा एक विधि की व्याख्या करिए विद्यालय प्रबंधन की। आप देख सकते हैं कैसे 19, 21, 18, 20, 17, 18 कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बजट के बारे में भी इंपॉर्टेंट सवाल आपसे 3 बार पूछा गया है, 21, 20, 19 और 18 में पूछा गया है। विद्यालय बजट क्या होता है, उनके प्रकार के बारे में बताइए, बजट का अर्थ बताइए और स्कूल बजट के 3 आवश्यकता बताइए। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप देखें कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपने कितना तैयार कर लिया है, इसमें से कितने प्रश्नों को आप लिख पाएंगे। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मुझे ये जवाब याद नहीं है, याद तो एक कोई नहीं होगा और किसी को नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन हाँ आप अपने बुद्धि विवेक से इस प्रश्न को लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिल्कुल घबराइए मत, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, चाहे आप 17, 18, 20 की बात करें तो अक्सर आपसे पूछा जाता है कि अपने विद्यालय हेतु एक स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम प्रस्तुत करिए, स्वास्थ्य शिक्षा का संप्रदाय और स्वास्थ्य का अर्थ बताइए। तो दोस्तों ये हो गए आपके मुख्य टॉपिक। अब कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे कि पर्यवेक्षण क्या होता है, निरीक्षण और पर्यवेक्षण, इसके बारे में भी वीडियो बन चुकी है दोस्तों। पर्यवेक्षण के गुण और विद्यालय पर्यवेक्षण की व्याख्या। संतुलित आहार, संतुलित आहार मतलब, संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार की परिभाषा लिखिए। संतुलित आहार का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब आप अपनी डाइट को इस प्रकार से प्लान करिए, अपने खान पान भोजन को इस प्रकार रखिए कि वो संतुलित रहे, बैलेंस रहे। ऐसा ना हो कि आप दिन भर राम जी के समोसे खा रहे हैं या फिर छोले भटूरे खा रहे हैं, वैष्णवी के चाट खा रहे हैं या फिर घर जैसा कि आप पनीर पूड़ी और ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको बैलेंस डाइट रखना है, यानी कि संतुलित आहार रखना है। और संतुलित आहार क्या है, इसकी परिभाषा तथा इसका चार्ट बनाइए, 2018 में पूछा गया था, शॉर्ट आंसर में 8 नंबर में।
संक्रमण रोग दोस्तों, संक्रमण रोग जो एक दूसरे से दूसरे में संक्रमण रोग फैलता है, तो ये क्या है, इसको आप रोक कैसे सकते हैं, इनके तरीकों का वर्णन करना है और संक्रमक रोग का अर्थ क्या होता है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। दोस्तों ये जो पॉइंट है संतुलित आहार और संक्रमक रोग, बस एक बार देखने की बात है, आप इस वीडियो के बाद समझ जाएंगे कि बहुत टफ पेपर नहीं होने वाला, बस देखते रहिए, पेपर यूँ निकल जाएगा आपको, बस यूँ ही कट जाएगा सफर। ओह सॉरी, थोड़ा सा अरिजीत सिंह आ गए थे। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, प्रदूषण। प्रदूषण के बारे में दोस्तों हम बात कर चुके हैं, वायु प्रदूषण, ये 2017 के शॉर्ट आंसर में पूछा गया था कि वायु प्रदूषण मतलब एयर पॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं, ये स्वास्थ्य पे किरबाव प्रभाव डालता है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। खत्म करेंगे इस वीडियो को, समय सारणी, ओहो हो, टाइम टेबल की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इस पे ये वाली वीडियो बनाई है और मैंने सब कुछ बताया है कि समय सारणी का अर्थ, महत्व, आवश्यकता, निर्माण के सिद्धांत क्या होते हैं, हर एक चीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए समय सारणी कितना इंपॉर्टेंट है, 17, 18, 19, 20, 21 में भी पूछा गया और 21 में तो लॉन्ग आंसर में पूछा गया था, तो 15 नंबर याद रखिए समय सारणी कितना इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और कुछ और प्रश्न देख लेते हैं, जैसे CAB, कैप का मतलब क्या होता है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड से आप क्या समझते हैं, पोस्ट कार्ब क्या है, पोस्ट कार्ब जब आप शैक्षिक प्रबंधन पढ़ेंगे तो उसी के अंतर्गत आता है, शैक्षिक प्रबंधन की यह सिद्धांत होते हैं, तो आप वहीं पोस्ट कार्ब पढ़ लेंगे, ठीक है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें पोस्ट कार्ब आप वहाँ से पढ़ लेंगे। NEP राष्ट्रीय शिक्षा योजना के कार्य बताइए, शॉर्ट में पूछा गया था। NCERT के कार्य बताइए, 2019 शॉर्ट में पूछा गया था। शिक्षा में NGO की भूमिका, बहुत सारे ऐसे NGO हो गए जो कि मुफ्त शिक्षा, निशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों की शिक्षा, तो बहुत सारे प्रकार से हेल्प करते हैं NGOs, तो शिक्षा में NGO की भूमिका का वर्णन और NCTE के बारे में, NCTE के कार्य, इसके राष्ट्रीय शिक्षा संघ परिषद के क्षेत्रीय समिति के नाम लिखिए, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये सारे वीडियोज़ भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप एक बार देखिए कि UGC के स्वच्छता क्या है, तो बहुत आसान है, शैक्षिक प्रबंधन। और पाठ्य सहगामी क्रिया मतलब पाठ के साथ जो और क्रियाएं चलती हैं उनका अर्थ, महत्व, लक्ष्य, प्रकार और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को आयोजित क्यों करना चाहिए। दोस्तों ये हैं आपके ओवरऑल प्रश्न 2017 से लेकर 21 तक पूछे गए प्रश्न, जिसको मैंने कोशिश करी कि एक सिक्वेंस में आपके सामने रख दूँ, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको पढ़ने में आसानी हो। एक बार लास्ट में रिकैप करना चाहूंगा और एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि आपको मोस्टली किस पे ध्यान देना है, शैक्षिक प्रशासन पे ध्यान देना है, क्योंकि आप पर्यावरण के बारे में खुद से लिख सकते हैं, योग के बारे में भी लिख सकते हैं, प्रधानाध्यापक के बारे में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा मंत्रालय, जी हाँ दोस्तों, और जनसंख्या कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। विद्यालय प्रबंधन, हाँ, तो शैक्षिक प्रशासन, शिक्षा मंत्रालय, विद्यालय प्रबंधन, बजट के बारे में आप स्वयं से लिख सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा तो आपके लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। पर्यवेक्षण के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, संतुलित आहार कुछ नहीं है, संक्रमक रोग कुछ नहीं है, प्रदूषण मतलब कुछ नहीं, समय सारणी का मतलब कुछ नहीं, और ये तो छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो कहने का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको शैक्षिक प्रशासन में थोड़ा सा ध्यान देना है, और थोड़ा सा आपको ध्यान देना है शिक्षा मंत्रालय में, स्कूल प्रबंधन में, और बस ये छोटे छोटे टॉपिक है दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं ख़त्म करूँगा इस वीडियो को, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बताएं कि कितना आपने प्रिपेयर कर लिया है, और कम से कम आप एक दो पॉइंट इसमें से तो आज खत्म कर ही दीजिए, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो या शैक्षिक प्रशासन हो या फिर जो भी पॉइंट हो, आप उसको प्लीज यहाँ पे खत्म कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और क्या आपकी तैयारी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, और नहीं हुई है तो बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि तारो भरी रात में सिलेबस पढ़ेंगे, साथ में छोटा सा क्वेश्चन रह गया वो कापते से हाथ में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारे से हाथ से। बस बस, जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में इसके आंसर के साथ। अब तक खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और इस बेकार से गाने के लिए आई एम सो सॉरी। जय हिंद जय भारत दोस्तों।